सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक बार दोबारा वर्डमार्क लोगो जो है दोबारा डिज़ाइन करो, हमें कुछ आइडिया उससे दो। तो आज भी मैं एक म्यूजिक स्टूडियो का लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया म्यूजिक स्टूडियो और यहाँ पर मैं फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ कैनो, ठीक है। आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आपको कुछ समझ आएगा, तभी आपको कुछ नया आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कैनो फॉन्ट ले लिया है, इसको एंटर करके नीचे ले आते हैं एंड यहाँ पे जो है कंट्रोल के यानी कि ब्रेक का पार्ट कर लेंगे। अब ब्रेक का पार्ट कर लेंगे, इसको भी कंट्रोल के प्रेस करेंगे म्यूजिक पे एंड इसको भी जो है अलग कर देंगे। ओके, तो ये भी हमने इसको ब्रेक का पार्ट कर लिया है। तो अब इसके एम को थोड़ा साइड कर देंगे एंड सिंपली जो है आप क्रोम ब्राउज़र में चले जाइए एंड वहाँ पे जो अगर आप सिंपली सर्च करेंगे म्यूज़िक आइकन, तो आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस तरह का पीएनजी वेक्टर लेना है एंड इसको डाउनलोड करके कोरल में ले आना और इसको जो है कोरल में ला के इसको जो है ट्रेस कर लेना है। सिंपली आप क्विक ट्रेस कर लीजिए या आप आउटलाइन ट्रेस कर लीजिए एंड इसको जो है इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए डुप्लीकेट को एंड जो हमने ट्रेस किया इसको जो है यहाँ पे लाके इसको छोटा कर देते हैं। एंड अब हमें इसमें करना क्या है कि जो हमारे ये वेक्टर है, जो हमारा आइकन है, इसको जो है एम के दोनों साइड में यानी दोनों कॉर्नर में ले आना है, ताकि हमें ऐसा लगे कि जो इसके कानों के पास में जो है इसके म्यूज़िक के जो स्पीकर हैं वो जो एकदम कान के पास जो है लगे हुए हैं, हमें कुछ इस तरह का इसको शो करना है, ठीक है। सिंपली लेकिन आपको पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि इसको एंड में भी जाके हम इसमें काफ़ी कुछ करने वाले हैं और एक नई वीडियो आएगी आपको सिंपली इसी में। तो वर्डमार लोगों की जो वर्डमार लोगों का एक और वीडियो आएगी, वो कल आएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तब इन दोनों को जो हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ट्रिम कर लेंगे, सॉरी इन दोनों को, इन सबको वेट कर लेंगे पहले हम। एंड इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे बाकी जो एरिया है यानी कि जो जिसमें हमने स्मार्ट फिल टूल यूज़ किया है, इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमने जो स्मार्ट फिल टूल यूज़ किया ना, इन दोनों को जो है शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर लेंगे एंड इनको जो है डिलीट कर देंगे। ओके, बीच में गैप आ गया, ये देखिए काफ़ी बढ़िया इसका लुक आ गया। एंड इनको जो है इनके साइड वाले कॉर्नर को जो है डिलीट कर देते हैं, लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी डिलीट। ओके, नाउ यहाँ से भी डिलीट कर देंगे, कॉर्नर राउंड हो जाएगा। ओके, इसको अब डिलीट। सो अब यहाँ से भी सेम वही करेंगे, इसको जो है कॉर्नर को लाइन कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, पहले स्ट्रेट करेंगे उसके बाद डिलीट कर देते हैं एंड इसको अब डिलीट। ओके, नाउ इतना हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपली इतना हो गया, इसको यहाँ तक यू के सेंटर में ले आएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, स्टूडियो को जो है ऊपर ले आएंगे, इसको कंट्रोल एक्स करके, सॉरी इसका एस को जो है कैप्चर कर लेंगे एंड इसको जो कंट्रोल के कर लेते हैं। तो ये कंट्रोल के से अलग हो गया, इसके बाद क्या करें, एस को लाएंगे साइड में इस तरीके से एंड इसको जो है हम हल्का सा रोटेट कर लेंगे, यानी कि एक जो है मतलब आप सिंपली कुछ अलग जैसे मतलब कोई स्टैंड है या कुछ इस तरह का हम इसको शो करना है, तो हल्का से इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे हल्का से इसको रोटेट कर लेंगे एंड इसके बाद इस स्टूडियो को जो यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से एस के बगल में, ठीक है। तो एस जो हमारा ये यहाँ पे थोड़ा अलग सा हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कोई स्टैंड है या कोई बेड रखा है, मतलब थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, स्टूडियो थोड़ा अलग हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व एंड इसको ब्रेकअप आउट कर लेंगे एंड इसको जो है रेड कलर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ इसको भी रेड कर लेते हैं एंड बाकी इन सबको जो है सेलेक्ट करेंगे एंड इनको जो है हम कर देते हैं येलो। ओके, इसको येलो कर देते हैं। नाउ इतना हो गया, अभी क्या करेंगे, इसके पीछे बेस देंगे एंड उसके बाद इसमें एक हम जो है हल्का सा एक फाइनल टच देंगे, जो हमारे डिज़ाइन को जो है और बेटर करेगा हमारे लोगों को। ओके, नाउ अभी यहाँ पे एक हल्का सा कोई बेस लेते हैं, ब्लैक बेस लेते हैं एंड इस पर जो है कंट्रोल पेज हम कर देंगे। ओके, नाउ अभी इतना हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा इफेक्ट जो है वो अपने लोगों में डिजाइन करेंगे। तो करना क्या है, सिंपली जो है हमें जो है दोबारा से इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे
तो रेक्टेंगल इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए इतना एरिया एंड इसके कॉर्नर को राउंड कर लेते हैं एंड जो है आउटलाइन को जो है क्या करके आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आउटलाइन को बढ़ा दिया इसके बाद इसको वाइट कलर यूज़ करते हैं, हल्का सा छोटा कर देते हैं आउटलाइन को थोड़ा और छोटा। ओके ना इतना बेटर। तो दोस्तों लोगो डिज़ाइन पूरा हो गया है। तो अगर लोगो अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।